हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपको फिर से एक डबल कलर के स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी। ये देखिए, अगर आपको उल्टा सीधा भी बनाना आता होगा तब भी आप ये डिज़ाइन को बना सकती हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, 4 रो की डिज़ाइन है, 3+1, 3+1, इस प्रकार से हमारी 4 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बनेगी। देखिए कितना ईजी है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। आप इसे देखिए, मैंने इसे डबल कलर में बनाया हुआ है, आप इसे मल्टी कलर पे भी बना सकते हो, बट ये डबल कलर में ही बनेगा क्योंकि ये जो हमारे बीच में जाती है सो अलग हो जाएगी तो कम अच्छी लगेगी। तो आप जब भी इस डिज़ाइन को बनाइए डबल कलर में ही बनाइए। तो देखिए हमारी राइट साइड, ये हमारी बैक साइड। तो देखिए, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने फंदे डाल लिए और आप जैसे आपने बॉर्डर बनाया, बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो ये हमारी राइट साइड है सीधे की तरफ, और अपने हम कलर को लगाएंगे। जी देखिए, कलर हमने लगा लिए। अब 3 फंदे हम बुनेंगे सफ़ेद कलर से, ग्रीन कलर से। देखिए, 1, 2, 2, 1, 3। तो 3 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए, 1 फंदा हम स्लिप कर देंगे, ये दाहिनी तरफ से, मतलब राइट साइड सीधे की तरफ से ये डिज़ाइन का पैटर्न शुरू होगा। जैसे ही शुरू होगा वैसे हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे और 1, 2, 3 फंदा बुनेंगे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। यही 4 फंदे हम बार बार रिपीट करेंगे, 1, 2, 3, 1 स्लिप किया, 1, 2, 3, 1 स्लिप किया, 1, 2, 3। तो इस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे होंगे आप पहली सिलाई को ऐसे 3+1 के हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब आइए दूसरी सिलाई, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, मतलब 3 फंदे हम बुने हैं तो 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, 1 हमने बिना बुने उतारा है तो इसे ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। फिर से 3 फंदा बुनेंगे, 1, 2, 3, 1 उतारेंगे, 1, 2, 3, 1 उतारेंगे, 1, 2, 3। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो 2 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 3rd रो देखिए, तीसरी सिलाई हम पूरी सिलाई के फंदे को पहले को स्लिप करेंगे, बाकी के सारे फंदे हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमारी 3rd रो है, तीसरी सिलाई को हम इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई हो गई। अब देखिए चौथी सिलाई देखिए, जो स्लिप वाले फंदे हैं, जो मैंने 1-2 सिलाई में स्लिप किया था, मतलब स्लिप वाला फंदा ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमने स्लिप किया था, 3 हमने बुना था, इसे हमने स्लिप किया था, तो वैसे ही हम इस बार भी बुनेंगे, मतलब चौथी सिलाई भी हमें वैसे ही बुनना है। 3 फंदे को बुनना है, 1 फंदा स्लिप करना है, ये स्लिप वाला फंदा ऐसे ही आपको दिखता रहेगा। स्लिप किया, 3 फंदा बुना, स्लिप किया, 3 फंदा बुना, स्लिप किया, 3 फंदा बुना। तो 1 कलर से हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई। तो 1 कलर से हम 4 सिलाई बुनेंगे और 1 कलर से हम 4 सिलाई बुनेंगे। तो ग्रीन कलर से हमारी देखिए 4 सिलाई हो गई और 1 पैटर्न जो है वो दिखने लगा। अब हम लगाएंगे अपना दूसरा कलर, मतलब अपना दूसरा कलर चेंज करेंगे। अब देखिए, अब जो 3 फंदा हमने बुना है ये बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी ये 3 फंदा हम सफ़ेद कलर से बुनेंगे, ये बीच वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए तभी आपको ये डिज़ाइन समझ में आएगी, एक डिज़ाइन बनेगी तभी ये डिज़ाइन अच्छी भी लगेगी। देखिए, अब ये 3 फंदे हैं ग्रीन के, तो 1 बीच वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ये अब 3 फंदा बुनेंगे, 1, 2, 3 ये बुनेंगे, 1, 2, 3 ये बुनेंगे, 1, 2, 3 ये बुनेंगे, लास्ट के फंदे को हम ऐसे ही बुन
जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो बताया था। अब सेकेंड रो मतलब पांचवी सिलाई है, सॉरी छठवीं पांचवी कंप्लीट हो गई। अब जो जैसे बुना है वैसे ही बुनेंगे, जैसे ये बुना है बुनेंगे, ये स्लिप है इसे स्लिप कर लेंगे, बुने वाले फंदे को बुन लेंगे, स्लिप वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ये देखिए छठी सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई। अब देखिए सातवीं सिलाई, सातवीं सिलाई हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, जैसे मैंने आपको तीसरी सिलाई बताई थी। जब ये पैटर्न होगा कंप्लीट तो आपको समझ में भी आने लगेगा। अब देखिए सिर्फ उल्टा ही सीधा बना रहे हैं, लेकिन कितना खूबसूरत पैटर्न हमारा बन के कम्प्लीट हो रहा है। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको उल्टा सीधा भी बनाना आता होगा तब भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, बहुत ही ईजी पैटर्न है। हो गई। अब देखिए एट्थ रो लास्ट सिलाई, फिर से जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ये पता चल रहा है हमारा स्लिप वाला फंदा, ये तो जो स्लिप वाला फंदा है उसे हम स्लिप कर लेंगे और जो बिना वाला फंदा है उसको हम बुन लेंगे। ये पैटर्न की लास्ट सिलाई है, स्लिप वाला फंदा स्लिप किए, बुनने वाला फंदा बुन लिए, स्लिप वाला फंदा स्लिप किए, एट्थ रो आठवीं सिलाई भी हम कंप्लीट कर लिए। अब फिर से हम लगाएंगे अपना दूसरा कलर, मतलब ये ग्रीन कलर। अब फिर से वही बुनेंगे, तीन ग्रीन कलर एक स्लिप करेंगे, तीन बुनेंगे एक स्लिप करेंगे, बस यही हमको आठ सिलाई मतलब फोर्थ रो ये, फोर्थ रो ये, यही हमको बार बार रिपीट करनी है, तो हमारा ये वाला पैटर्न कंप्लीट होगा। अब आप देख सकते हो कितना खूबसूरत पैटर्न है, ये देखिए सेम बन रहा है और बनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो आप इस डिज़ाइन को ट्राई करिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए, बेबी गर्ल बेबी बॉय कार्डिगन किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इस डिज़ाइन को अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को ट्राई करिए, हमारे साथ शेयर भी करिए कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।